नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लगातार बारिश से बोकारो की जीवन हुई अस्त व्यस्त। चक्रवाती गुलाब तूफान के प्रभाव के कारण झारखंड के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहीं आज बोकारो में भी जमकर बारिश हो रही। ऐसे में पूरे शहर और जिले के ग्रामीण इलाकों में तबाही का मंजर है, तो वहीं इस मूसलाधार बारिश के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो घरों में भी कुछ जगह तो पानी भर गया है। ऐसे में बोकारो से स्टील गेट तरफ जाने वाली रास्ता में भी पानी जल जमाव है, जिसके चलते लोगों का आवागमन ठप हो गया है। इस रास्ते से काफी लोग माराफारी रेलवे स्टेशन स्टील गेट जाते हैं, ऐसे में प्रशासन की नजरें इस पर नहीं पड़ती हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि इस रास्ते को लेकर कई बार हमने प्रशासन से और विधायक से गुहार लगा चुके, फिर भी यहां ना तो रोड बनता है और ना ही इस पानी का निकालने का निकासी है। एक छोटा सा नाला है जिससे धीरे धीरे पानी जाता रहता है। बरसात के दिनों में पानी कमर तक भर जाने के चलते लोगों को आने जाने का दिक्कत काफी होता है। यहाँ के सेल प्रबंधन और यहाँ के विधायक इस रास्ते को लेकर कभी कुछ ध्यान नहीं देते, जिसके चलते यहाँ के लोग प्रबंधन और विधायक से काफी नाराज रहते हैं। तो वहाँ से आने में पानी कितना अभी है? पानी तो अभी आदमी भर डूब जाएगा, पूरा आदमी भर डूब जाएगा। तो ये ऐसा भारी बरसात में रहता है कि मैंने हमेशा तो किसी को कहे नहीं आप लोग बनवाने के लिए? बोल हम लोग क्या बोलेंगे, बड़ा लोग कोई बोलता नहीं है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में यहाँ के लोग को, विधायक को या फिर प्रशासन को? टिकट नहीं हुआ तो सर, जब तक खुल नहीं हुआ तो सर इसके लिए कोई उपाय नहीं। क्या करना चाहिए यहाँ का? पानी निकलने का साधन नहीं है, ये हर बरसात में ऐसे ही हो जाता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? यमन कॉलोनी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।